किसी भी व्यक्ति को कार्डिक अरेस्ट आने पर उसे समय से व सही तरीके से CPR देने से उसकी जान बचाई जा सकती है। कार्डिक अरेस्ट आने का पहला 3 मिनट गोल्डन टाइम है। आज अयोध्या के कलेक्ट्रेट सभागार में वाराणसी के कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी ने DM नीतीश कुमार के साथ एक कार्यशाला आयोजित की और लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसका हृदय 3 मिनट तक जिंदा रहता है। इस 3 मिनट में आप CPR विधि से उसकी जान बचा सकते हैं। CPR यानी उसके सीने पर एक तरह से दबाव डालते हैं और मुंह में सांस देने की प्रक्रिया करते हैं। इससे उस व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलने लगती है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में एक दिवसीय CPR की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी से डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने कार्डिक अरेस्ट आने पर बरती जाने वाली सावधानी और CPR की बारीकियों से सबको अवगत कराया और जनपद के विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को CPR का प्रशिक्षण दिया गया। हम उस रुके हुए हृदय को फिर से जीवित कर सकते हैं। CPR एक तरीके का इमरजेंसी प्रोसीजर है, आपातकालीन प्रोसीजर है, जो व्यक्ति के जमीन पे गिरने के 3 मिनट के अंदर अंदर आपको करना होता है। इस 3 मिनट के अंदर अंदर आपको पता लगाना होता है कि व्यक्ति जीवित है या मर चुका है और इसी 3 मिनट के अंदर आपको CPR को एग्जीक्यूट करना है, संपादित करना है। CPR जैसा नाम से क्लियर है, सी मतलब होता है आपका हार्ट, जिसे हार्ट को दिल कह सकते हैं हिंदी में, हृदय कह सकते हैं। पी का मतलब होता है पल्मोनरी सिस्टम, जिसको आप लंग्स कहिए, फेफड़ा कहिए। आर का मतलब होता है रिससिटेशन, रिससिटेशन का मतलब होता है रिवाइव करना, रुके हुए हृदय को पुनर्जीवित करना। या सीधे शब्द में क्या है कि कोई व्यक्ति मर गया है, उसको कैसे जीवित किया जाए, उसकी प्रक्रिया है CPR। तो CPR एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से आप मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। अभी तक पूर्वांचल में करीब करीब 20 से 21 जिलों के सभी जिलाधिकारी महोदयों को, SP को, ADG लॉ एंड ऑर्डर को, जुडिशियली को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, रेलवेज को, फायर स्टेशंस को, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह इसकी जानकारी दी जा रही है। आज की कार्यशाला का मेन उद्देश्य था कि जो हमारे कर्मचारी CPR टेक्निक के बारे में जाने, जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें 3 मिनट का गोल्डन पीरियड टाइम होता है। अगर आप रिस्पांस टाइम आपके पास है और सबसे ज़्यादा जो मौके पे है उसी के पास रिस्पांस करने का चांसेस होता है। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेनिंग मैं बहुत दिनों से देना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब का वाराणसी से फ़ोन आया तो मैंने बोला कि ये बहुत उचित समय है, आप जब चाहें ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग को हमें और अभी मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमारे पास अभी जो लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं एम्प्लॉई थे, और पुलिस से, प्रशासन से, मल्टीपल डिपार्टमेंट से। अब मैं चाहूँगा कि जो लोगों ने सीखा है उसको उसी स्तर पे सीखते हुए आगे के भी लोगों को अग्रसारित करें, तब हमारा जो मेन उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एक बेसिक टेक्निक्स है और बहुत सिंपल है, और इसके बाद आपको इसकी जानकारी होगा। लोग सोचते हैं कि हमें आती है, लेकिन अगर आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी तो आप बेहतर तरीके से CPR नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सीखना चाहिए, हमें सबको सीखना चाहिए। एक मुझे लगता है करिकुलम का हिस्सा भी होना चाहिए, और हमें अब भी आगे जाना चाहिए। अभी अब कलेक्ट्रेट सभागार में हम लोगों ने कराया है इसको, हम और एक्सटेंशन प्लान भी हम कर रहे हैं बेसिक स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, इंटरमीडिएट स्कूल्स में, सब में हम लोग उसको लेके जाना चाहते हैं। इसलिए ट्रेनिंग आज एक शुरुआत के तौर पर है। बहुत दिनों से ये विचार था, आज ये विचार फलीभूत हुआ है।